पश्चिम बंगाल में हुई डॉक्टर की रेप और हत्या के विरोध में और न्याय की मांग को लेकर कुरुक्षेत्र में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले कैंडल मार्च निकालकर डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी डॉक्टर ने कहा कि देश भर के डॉक्टर सुरक्षित हों, इसको लेकर एक पॉलिसी बनाई जाए। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने कुरुक्षेत्र के अगरसिंह चौक पर एक कैंडल मार्च निकाला। डॉक्टरों का साफ कहना था कि आज स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले डॉक्टर अस्पताल में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। एक रेजिडेंट डॉक्टर की हत्या और रेप हुआ है, ये उसके सपोर्ट में हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसकी जल्दी से जल्दी इंक्वायरी हो और जल्दी से जल्दी रिजल्ट निकले और जो भी दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिले। वैसे कोलकाता हाईकोर्ट ने ये केस सीबीआई को सौंप दिया है और वहाँ के प्रिंसिपल को भी रिज़ाइन करवा दिया है और हम देखते हैं कि कितनी जल्दी ये कोलकाता की लेडी डॉक्टर को न्याय मिलता है। ये पूरे देश के लिए एक सबक होना चाहिए कि कोई भी इंसान, कोई भी बंदा अपनी जॉब पे तो एटलीस्ट सुरक्षित होना चाहिए। ठीक है, आपकी मांग क्या रहने वाली आगे? हमारी पूरी डिमांड्स हैं कि एक हॉस्पिटल्स में प्रॉपर सिक्योरिटी सिस्टम्स हो, हर जगह सीसीटीवी कैमरास हो, जितने कॉरिडोर्स हो सारे जगह वेल लाइटेड हो, कैमरास हो, हर जो कोई फालतू का बंदा हॉस्पिटल में ना घुसे, जो मरीज के रिश्तेदार उनकी प्रॉपर आइडेंटिटीज हों जो कि हॉस्पिटल में हैं, और जो ऐसे केसेस हैं वो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में ट्राई हों ताकि जल्दी से जल्दी रिजल्ट है मिले और जो भी ऐसे क्रिमिनल्स हैं उनके मन में भय हो। मार्च है आज, हम प्रेस, लोगों को प्रेस के थ्रू सेंसिटाइज कर रहे हैं। दो दिन बाद हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री नवीन जिंदल को मिलेंगे। सारे पूरे इंडिया के IMA के मेंबर्स अपने अपने MPs को मिलेंगे और एक सेंट्रल लॉ इनेक्ट किया जाएगा फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी। उनको सुरक्षा तो चाहिए ही, नाई ड्यूटी करती हैं तो उनको हमेशा सुरक्षा अगर नहीं मिलेगी तो ये इंसिडेंट्स दोबारा दोबारा होते रहेंगे। सो एक तो हमें इंसाफ मिलना चाहिए, निर्भया 2 को भी इंसाफ मिलना चाहिए और सख्त से सख्त उसको सजा मिलनी चाहिए और CBI से इंक्वायरी होनी चाहिए। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाएं भारत में सुरक्षित नहीं है और अब तो मेडिकल कॉलेज में भी ऐसा घटना पहली बार हुई है और कैंपस के अंदर। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने मामले में दोषियों को फांसी दिए जाने की मांग की, साथ ही साथ देश भर में अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए विभिन्न कदम उठाए जाने की भी मांग की। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।